जी, मैं तो अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेंच एंड द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हेरिटेज क्लब और खोरे सच संताली दे खालसा राज फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान, खालसा राज वॉल फ्रेस्को एंड आर्ट्स, ये तमाम पेजेस ने मेरे जिदे ते मैं वर्क कर रहा हाँ। और ग्रुप ज्वाइन करो प्यारा ननकाना साहेब और ओपन डिस्कशंस, किसी भी टॉपिक के उत्ते आके तुसी गल कर सकते हो, लेकिन बी इन लिमिट्स। माँ जी एक बार तुसी फिर जरा दोबारा अपना नाम दसो। संतोष अरोरा। माँ जी का तलक जड़ा है मंडी बावल दीन दे नाल है, मंडी बावल दीन दे कोल एक पिंड है, उत्थे इन्हां दा सारा जिन्ना भी वड्डियां दा रहन बहन और सारा कुछ सी वह उत्थे सी। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ 47 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਹੋਈ, ਆਪਦੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੇ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਤੇ ਥੇ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਮਰੀ, ਕਿਉਂ ਹਮਨੇ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਦੇਖਾ ਸਭ ਮਾਰਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, जब घर से निकाल दिया था, बहुत रोने पड़े, घर से निकाल दिया था, बार कैंपा तंबू लगा के खेसों के हम 3 दिन कट्टे हैं, शहर से बहुत दूर नहर थी, नहर से पानी ला के अपना खाना बना के खाओ, तंबू के अंदर ही रहो, बाहर नहीं जाओ, रात के उठ के कैसे टट्टी पेशाब करना भी है जो मैं आप बता दूँ, वो तंबू के बाहर के कर लो जाके आते बाहर जाए तो जाए, खतरा बहुत था मार कटाई करने का, लोग बहुत ही बेइज्जतियाँ कर रहे थे, लड़कियाँ की थी और तो जो आंखों से सुना है देखा है, जो हमारे भाई हमारे जीजे हमारे 3-4 परिवार थे जो हम आग के अंदर बताते थे बाहर नहीं निकलना लड़कियों को जाना था, जो देखा सुना सब कुछ। फिर 3 दिन के बाद हम फिर घरों में भेजा, जैसा घर खुला छोड़ गए थे वैसे घर मिला हमें खुला, फिर घर में आकर रहे हैं। उसके बाद 10 गाड़ियाँ मजदूर रही हिंदुस्तान से हिंदुस्तान ले जाने के लिए, यहाँ गोरखा मिलिट्री थी उस वक्त, पहले और मिलिट्री थी फिर गोरखा मिलिट्री आई, वो हमें निकाल के ले गई गोरखा मिलिट्री, फिर जब जो गड्डी पे टाइम पे पहुँचे प्लेटफार्म पर गड्डी पे चढ़ गया, हम पहुँचे तो गाड़ी निकल गई, फिर अपनी बात बता रहे हैं गाड़ी निकल गई। फिर मेरी माँ कहती इतना परिवार छोटे छोटे बच्चे, 13 दिन की मेरी बहन थी जब घर से निकलता, 3 दिन की थी फिर आके 10 दिन कर रहे, 13 दिन की थी वो छोटी बहन मेरी, तो वो हम घर से स्टेशन पर आए फिर कहते हैं कि अब घर जाओ, एक टांगे पे 10 नाग रखे वो टांगा ही लेके भाग गया सामान के, इतना तो तकलीफें देखी है मतलब की। फिर मेरी माँ ने स्टेशन मास्टर जो था मुसलमान था, मेरी माँ ने इसके पैर पकड़ लिए, कहती है मार दो चाहे रख दो मैं वापस घर नहीं जा सकती, सुबह आऊँगी इतना परिवार लेके फिर गाड़ी निकल जाएगी फिर मैं यहीं रोती रह जाऊँगी, कोई इतनी सी जगह दे दो मैं रात गुजार लूँ। फिर प्लेटफार्म के पास एक छोटा सा कुंजा था जिस चिड़ियों के नीचे होते हैं ना जगह, इतना था, एक मेरी बहन बीमार थी कहती है आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए नहीं जब कोई मार गया तो मैं जिम्मेवार नहीं बनूँगा, सांप बंद करके रात निकाली, फिर सुबह उठ के ही प्लेटफार्म पे आ गए, फिर गड्डी आई उससे बैठे, फिर जब लाहौर गड्डी सारी बात बता दूँ मेरे को अगर नुकसान तो नहीं होगा ना, फिर नुकसान लाहौर में गड्डी पर जो मुसलमान ड्राइवर था गाड़ी का उसने गाड़ी धीरे की और सब लोग ना मार कटाई करने के लिए खड़े हुए थे, जैसे गड्डी पहुँचे तो गड्डी के अंदर कट कट के फेंकते थे, पर हमें हमारी माँ ने बोला सीढ़ियों के नीचे सीटों के नीचे बढ़ गए, हम सारे बच्चे सच्चे सब सीटों के नीचे बढ़ गए, जब गाड़ी थोड़ी हल्की हुई ना प्लेटफार्म पर चढ़ी ना एकदम गाड़ी उसने तेज की, सारा प्लेटफार्म पार हो गया तब जाके उसने हल्की कर दी, बयान करिया उसका भला हो, मुसलमान ड्राइवर था जो ज़्यादा सुनी हुई है आंखों से देखी हुई है वो बता रही, फिर गाड़ी जाके सीधी छेटे साहब, अब लाहौर से तो अमृतसर बहुत है नज़दीक पड़ते हैं, उससे पहले अमृतसर से पहले एक प्लेटफार्म आता है हिंदुस्तान जहाँ बॉर्डर बनता है छेटे साहब उसका नाम था, वहाँ आके हम गाड़ी ख़त्म हो गई, वहाँ सारियाँ गाड़ियाँ वहीं ख़त्म हो रही थी, उसके बाद गवर्नमेंट के तंबू लगे हुए थे तंबू खाना पीना सब वो धीरे थे, और हम शहर में चले गए, मेरा भाई मेरा जीजा सारे शहर में, शहर में एक कहते हैं कहाँ से आए और कहाँ से आए, उसने हमें मकान दिया, वो उसका नीचे उसकी दुकान थी ऊपर उसने मकान दिया, हम रहे उसका सामान पड़ा था हमने हाथ से लगाया, कुछ दिनों के बाद वो ऊपर आया कहता है ये सामान जो पलंग पड़े हैं मेज़ पड़ा है लंप पड़ा है लालटेन पड़ी है इसको आप इस्तेमाल करो, मेरी माँ कहती है नहीं
आपकी चीज़ का हमने इस्तेमाल कर, वो कहते हैं नहीं करो तुम, जैसा जरा वैसा किया फिर कुछ दिन हम रहे। वो इतना अच्छा इंसान था, इंसान की बात कर रही हूँ। क्या नाम था उनका? मेरे को नाम नहीं पता, नाम मेरे को नहीं पता, पर इंसान बहुत अच्छा। क्या कौन थे वो? उसकी दुकान थी किराने के नीचे, किराने की, उसी जगह पे, उसे नीचे दुकान थी, ऊपर गया हमने। वो कौन से मजहब से था ये कोई पता आपको? नहीं, मोने थे जी, मोने थे, पंजाबी आदमी थे। अच्छा, मोना सिख था? मोना ही था जैसे। ठीक है, हाँ ओके। उसने हमें बहुत रहने सहने, वो कहता है कि जाओ नहीं, एक मकान ये एक मकान सामने मेरा ले लो रहो। हमने कहा नहीं, हमारे दिल्ली रिश्तेदार थे ना सारे, हमने कहा हम दिल्ली पहुँचे। अच्छा, आप आज भी पूरी उर्दू नहीं बोल पा रही हैं ना पूरी हिंदी बोल पा रही हैं, आपकी आवाज़ के अंदर तीन आवाज़ों की झलक है। आप हिंदी भी एक वक्त में साथ बोल रही हैं, पंजाबी जो पुरानी आपकी पंजाबी बचपन की, आप उसकी भी आपकी हल्की हल्की झलक आती है उसके अंदर जो बोलते हैं आप। बचपन में गए हैं तो वहाँ जाके फिर जहाँ दिल्ली में रहे हैं तो कुछ ना कुछ उधर के बदल गई होगी आवाज़। मेरी तरफ से तो वही आवाज़ है जो जाके थी मंडी बहावलदीन। अच्छा अच्छा, जो मंडी बहावलदीन की। हाँ। अच्छा, आप जब मंडी बहावलदीन में यहाँ से जब आप गई हैं, 14 साल की आपकी उम्र थी, तो क्या यहाँ पर आप पढ़ती थी? हाँ, आर्य समाज में, आर्या समाज स्कूल मैंने दिखाया हुआ है, आपने देखा वो वीडियो? देख के आई हूँ ना अभी। नहीं नहीं, वीडियो देखी जो मैंने डाली थी आर्या समाज स्कूल की? हाँ, मंदिर और स्कूल की। हाँ, आपके लिए मैंने डाली थी। अच्छा, मैं तो अब गुरुद्वारा मंदिर समाज सब देख के आई हूँ ना अभी, गुरुद्वारा श्री माता जी वाला, जो हमारा माई वाला, जो हमारे मोहल्ले में गुरुद्वारा था ना मार्केट के अंदर, वो तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा है ना जो मार्केट के अंदर है। हाँ। जहाँ पर आजकल मीट की दुकानें बाहर हैं, एक गुरुद्वारा बहुत दूसरा संतपुर है, वहाँ हर साल मेला लगता था, संता का गुरुद्वारा बोलते थे उसको। अच्छा अच्छा, वहाँ हर साल मेला लगता था, भारी मेला लगता था हर साल संतपुर, हमारे शहर से 2 मील दूर था संतपुरा कहते थे उसको, संतपुरा संता का गुरुद्वारा। आप कभी गुरुद्वारे का नाम संता का गुरुद्वारा था। अच्छा अच्छा, आपने कभी जयसुख भी गए थे कभी? पास में था जयसुख। मैं तो एक ही गुरुद्वारा देखा अपने मोहल्ले का, जिसके बाद मेरे को सब पूछते थे कि उनका निशानी बताओ, मैं कहा उसके बाद पेड़ है, पेड़ के पीपल का हैंडपम्प लगा, पीपल का पेड़, पीपल का बिल्कुल वही है अब, हैंडपम्प लगा हुआ था वहाँ, वहाँ एक नाम मार्केट थी सर, रोड थी सर, मार्केट थी बिल्कुल वहाँ है, मार्केट के पार मंदिर था, मंदिर के नीचे स्कूल था, गुरुद्वारा के ऊपर स्कूल था, हर समाज के ऊपर स्कूल था, नीचे मंदिर था, नीचे मंदिर था जी बिल्कुल। क्या मेरे को यादाश है, मैं आपको बता, क्या क्या लगता है जब बचपन कभी रात को आंखों में आ जाता है? बहुत ज्यादा, अपना शहर याद आता है, अपना घर घूमती हूँ, अपना छत के ऊपर बैठती हूँ, हम दोनों मेरे ताया जी और हम इकट्ठे ही रहते थे ना, तो घर के अंदर ही ऐसे पार्टीशन थी, एक तरफ रहते थे हम दोनों ही, ताया जी भी और हम भी, एक तरफ हमारा बिजनेस। क्या आज का जैसे अभी आपने लाहौर देखा? हाँ जी। यहाँ पर लोगों के चेहरे देखे आपने, काफी चीजें देखी, आपने काफी कुछ देखा यहाँ पे, तो क्या आप क्या कंपेयर करते हैं? दिल्ली के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि दिल्ली दिल वालों की और लाहौर जिंदा दिलों का, दो शहर जो है वो गिने जाते हैं ना तारीख में ना, एक लाहौर, रावलपिंडी और कराची, ये इधर के बहुत शहर तीनों माने हुए जो बचपन हमने सुना हुआ है। गेट तो लाहौर पिक्चर हॉल था, मेरी ताई का भाई था हमारे पास रहता था पढ़ते का। जी जी, तो हम है ना स्कूल नहीं था दसवीं बारहवीं तक, दिल्ली मंडी बहाल में स्कूल था, वो मंडी बहाल में पढ़ने आए थे, मेरी मासी का लड़का और मेरी ताए का साला दोनों पढ़े थे, वो हर महीने लाहौर पिक्चर देखने जाता था। अच्छा, लाहौर के एक एक पिक्चर हॉल लाहौर था खाली, उस और कहीं पिक्चर हॉल नहीं था इस पंजाब में, कच्ची टाकी लाहौर पिक्चर हॉल देखने जाता था जी, उसका शौक था, चौकिया था। अब पाकिस्तान बनने के बाद उसने कलकत्ते संबरपुर बिजनेस उसने किया है, आपने तो है नहीं दुनिया आप, में आप यहाँ पे आई, मतलब कि घूमने फिरने वाला और बिजनेस में पैसा कमाने वाला बहुत लकी आदमी था। अच्छा, आपने यहाँ पर अभी देखा, आप बोल रहे थे ना कि हमारे अभी जो नौजवान लड़कियों को भी देखा, औरतों को भी आपने देखा, तो आप एक बात कह रही थी कि एक चेहरे के मतलब कुछ बोल रही थी, आपके भी चेहरा जो है, चेहरे बोल रहे थे कि दिल्ली में रहते हुए सबके चेहरे ऐसे हुए रहते हैं, पैसे वाले दूसरे भी, इतनी रौनक नहीं है चेहरे के ऊपर दिल्ली में, यहाँ की औरतों की सबके चेहरे पर रौनक है, क्योंकि पंजाब का जो खाना पीना है ना वो दिल्ली में नहीं मिल सकता, पंजाब का खाना पीना अच्छा, हम इस तरह के गए ना, मतलब दो भैंसे और एक गाय हमारे घर में
बंदी होते थे उस वक्त की बात है। हमारे पिताजी और मेरे ताया जी का जिसमें अच्छा था और घर में सुबह 4 बजे उठ के ऐसे लोगों के कड़ियों में कुनियों में निकालते मक्खन निकालते थे। वो सुबह रात को रोटियां बना के रखनी, एक रोटी और ऊपर मक्खन और लस्सी गिलास, ये नाश्ता होता था, ये खा के स्कूल चले जाते थे। ये था तो रहना खाना पीना दादी घर की थी। डब्बे में दाल डाल के नहीं रखी जिंदगी में, जहाँ जिंदगी रहे हैं और ढेर से दाल लानी, बोरी में से दाल बम्बू होता था ना, ऐसे बम्बू से निकाल के ना बर्तन ले जाना, उसे भर के ले आनी, चढ़ानी, जिन्हें खानी खानी, बाकी कुरली कहते हैं ना जो भैंसों की होती है उसको डाल दे, कुरली कहते हैं बाकी उसको। हमारे गाँव के आते थे ना लोग रहते रहने आते कि वो जाके गाँव भर कर सके, उनके तो नाप तोड़ के चाड़ना पकाना है ही नहीं। गाँव में लोग आते थे रात को 9:30 बजे गड्डी आती थी, 9:30 बजे 10 बजे तक मेरी माँ, रात के 12 बजे गड्डी आती, 12 बजे तक मेरी माँ चौकी बैठी थी। कोई गांव का आ गया आदमी, उसने खाना खाना है, खाना खा के उसको सलाना है, ये बात है। और सुबह सुबह भी गाड़ी आती थी वहाँ से, पैदल भी लोग आते थे। 8 को पेंडा था, को गिनते हैं ना इधर के तो हैं, उधर तो मिल गिनते हैं हिंदुस्तान में, इधर को गिनते हैं। 8 को पेंडा था, हम पैदल भी जाते हैं अपने गाँव में, उसका दरिया आता था जलन दरिया, और हमारे मंडी भवन से हमारे घर से 1 मील दूर नहर है, बिल्कुल वहाँ विसाखी आती है या ग्रैंड नहर में नहाने जाते थे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो आपकी बचपन की कोई सहेलियाँ जिनको जिनके नाम आज तक आपको याद हैं? मेरे को इतना कोई याद नहीं है, एक नहीं 14 साल की उम्र जी, एक नाम शकुंतला था और मेरे को इसका याद नहीं है इतना नाम। क्या आपकी उस वक्त मुसलमान सहेलियाँ भी थी वहाँ पर मोहल्ले में? आपके अपने अपने घरों में थी? नहीं, घरों में कोई मुसलमान हमारे नेड़े नहीं रहता, गांव था हमारे, जो घर हमारा मंडी बाग घर जो है ना वो शुरू से समझो या लास्ट से समझो बड़े थे 18 मरलों का। अच्छा, गांव का क्या नाम बताया आपने अपना? पिंडी सैदपुर। हाँ। तो कितनी दूर है वहाँ से मंडी से? मंडी बाग जिनसे पैदल जाते 8 को पेंड है। 8 को? 8 को, ठीक। हम पैदल 8 को चले जाते थे, पैदल। हाँ, बच्चे थे ना हम, पैदल चले जाते थे, माँ घोड़ी करके चलती, मैं हम घोड़ी में बैठ नहीं सकते थे, या गाड़ी निकल गई तो घोड़ी पे चले जाओ ना, घोड़ियाँ घर की थी ना, टांगा भी अपने घर का था। तो उस वक्त तो मोटरसाइकिल मोटर स्कूटर तो नहीं होते थे ना, ज़्यादातर टांगा उठते थे, घोड़ी तो घर रखते थे। तो जब यहाँ से गए तो दिल लग गया वहाँ पे दिल्ली में? दिल कहाँ लगना था, तो रोटी खाने पर नहीं मिली, दिल कहाँ लगता, कौन कमाने वाला था, कमाई सारे यहीं रह गई। फिर वहाँ एक भाई था बड़ा, वो दिल्ली में पढ़ के आया था, पहले रोडपंडी नौकरी करता रहा, फिर दिल्ली में आकर उसकी नौकरी लगी थी, फिर हम दिल्ली पहुँचे तो उसको पठानकोट बदली हो गई, तो वहाँ चला गया। पर भाइयों ने इतनी हेल्प की है मेरे माँ बाप की, हम छोटे छोटे सारे मेरे बहन भाई थे, उन्होंने हमारे पढ़ाया, मैं कम पढ़ी हूँ इधर की खाली, मेरे बहन भाई बहुत पढ़े, उनके एक और ही बहुत पढ़े, सब नौकरियाँ कर रहे हैं। आप अरोरा परिवार से हैं आपने बताया, आप कितने बहन भाई थे? हम 9 बहन भाई हैं। 9 बहन भाई, 6 बहनें जी, 3 भाई। और अभी कितने हयात हैं? मेरा एक बड़ा भाई और बड़ी भाभी गुजर गई हैं, मेरे माता पिता भी गुजर गए हैं और मेरे हस्बैंड भी गुजर गए हैं, 2 मेरी बहनों के भी हस्बैंड गुजर गए हैं, बाकी सब परिवार है। एक मेरी बहन अभी मई में गुजरी है, वो कैसे गुजरी है आपको बताऊँ, रात को खाना बना के खिलाया सबको उसने, और मेरी बहन ने शनिवार को मेरी बहन ने 1 घंटा उससे बात की है, इतवार सुबह उठी है तो कहती है, ये उठी है उठ के से आदमी के लिए चाय बनाने लगी है, तो कहती है हाय मेरा दिल कच्चा हो रहा है, वो कहते तू जा लेटरिन में गई है, लेटरिन में लेटरिन करके उठी है तो हाथ धो रही है, तो वो बार वाशरूम के अंदर ही हाथ धो रही है, बाहर मेरा जीजा खड़ा था, वो ना हाथ धोती धोती ना ऐसे लड़कों लगे, जीजा मेरे हाथ रख लिया, वो वहीं गिर गई है बाथरूम में, उसका लटा दिया, वो फिर उसके पानी छिड़क दे रहे, एक बेटा था उसका भी अपाहिज है थोड़ा बेटा उसका, 3 बेटियाँ बहुत सुंदर हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत सर्विस कर रही हैं, उनको बहुत घर अच्छे मिले हैं, पति अच्छे मिले हमें, उसकी 3 बेटियाँ, लड़का जो है वो हैंडीकैप, लड़का एक ही था हैंडीकैप, बस वो बाप बेटा थे, उन्होंने जैसे देखा डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने बताया नहीं, कहते अस्पताल ले जाओ, वो वहीं दिखते डिग सारी खत्म हो गई। कितनी बार अपनी मिट्टी देखने के लिए आई हैं? मैं पहली बार आई हैं, और 69 साल गुजर गए पार्टीशन को, साल हुए हैं नहीं 69 हो गए, 69 ईयर्स हो गए, तो 69 साल के बाद कैसा लगता है अपनी मिट्टी को देखना? मेरे को तो लोग बहुत अच्छे लगे, सब कुछ अच्छा लगता,
ये ना ये क्रेज जो है ना एक दूसरे से मिलने का, अब यही बन रहा है कि ठीक है अगर सारे मिल गए ना भगदड़ मच जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, क्योंकि हम कहेंगे हमारा ये था, वो कहेंगे हमारा वो था, इस करके ये क्रेज़ बना हुआ है ना मिलने का। मैंने अपने दिमाग से यही लगाया अभी यहाँ बैठे बैठे, ये कितना क्रेज़ है, हम मीडिया से हैं आपको लोगों को और मेरे को कितना क्रेज़ है, सबको मिल गया, सब मीठा बोल रहे हैं, जब ये जगह रहती है ना फिर लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ। दूरी ठीक है, थोड़ी सी दूरी, दूरी से ठीक है ना, यहाँ तो पहले ही ना होता ना, तभी मिल के रह रहे थे ना, ये घर हिंदू का ये मुसलमान का है। और हमारे गाँव में तो हम तो शहर में पले हैं ना, हमारा गाँव में ना सारे रिश्तेदार गाँव में रहते, हम ही शहर में रहते थे, हमारे बिजनेस था उनका, तो मेरे गाँव में जो है वो क्या है, सिर धोया जाओ मुसलमान से मेढियाँ करा के आओ, कंगी करा के आओ, माँ भेज छती थी, हम तो दो महीने की छुट्टियाँ होती थी, जाते थे नानके दादके मासी वहाँ रहती है, वहाँ गुजार के आते थे छुट्टियाँ, खेतों में आस लगाया है, छलियाँ आ रही हैं, बुल्ले में भुन रहे हैं, कोले कच्चे में भुन के आदमी चारे में छा के बैठे हुए हैं खाने के लिए हैं। और हम मंडी बालदीन में थे ना, हमारे पिताजी का क्या काम था, छलियों का मौसम आया ना एक खेत को आस लगाया, ये खेत मेरा है, सुबह उठ के 5 बजे जाना नौकर को नाल ले जाना, पलिया बन के ले आने, तो वो जो उसके पट्टे निकलते थे ना हरियाली जो छलियों की, वो घर में वो लगी हुई थी टोका टोका भैंसों के लिए कटने का, और गायें गन्ने के खेत को आस लगाते थे, गन्ने का मौसम होता था उसके भी पांच उतरते हैं ना जी जी, वो भी तो कुतरे काम आ जाते हैं ना, वो घर में सारा कुछ सामान था, भैंसों के खाने का क्या ये खल होती है ना भैंसों के खाने के हैं, और तूड़ी वो तूड़ी भी घर की हो जाती थी, चावलों की भी कहीं हो जाती थी, किस हो जाता तो वो भी सब कुछ, मतलब कि अच्छा यहाँ टाइम गुजारा है अच्छा। माता जी तुसी अपनी ऐसी कभी नहीं, बहुत प्यारियां करके ना आपने एक कोठी बनाई है पटेल नगर में है, फिर वो सारे भाइयों की थी, फिर जैसे जैसे निकली जगह वैसे वैसे भर दी, हमारा नारायणे है एक, मेरे देवर का नारायणे है, हमारी अशोक विहार में है एक, मेरी देवर की जनकपुरी है हैं, एक अशोक नगर में उत्थे अशोक विहार है, अशोक नगर है उत्थे मेरे देवर है, बड़े वाले जेठ ने तो बनाई नहीं, कहते मेरे चार बेटे में किसी को दूंगा, उसके बड़े ब्याह गए उन्होंने अपने अपने बना ली बच्चे, और मेरी जठानी अभी भी है 86 साल की हो गई है हैं, और 4 दिन के बाद मेरे को फ़ोन आ जाता है उसका, मैं भी कर लेती हूँ, अब नहीं जाएगा ना फ़ोन वो घबरा जाएगी मैं कहाँ गई है क्या हो। तो आप देख रहे हैं कि आपको प्यार मिला जब यहाँ पर अपनी मिट्टी पे आई, तो आपको बहुत प्यार, वहाँ मंडी वालों को जान पहचान का नहीं है, तब भी इतना लड़का था 2 व्हीलर का, हम ढूंढ रहे, मैंने कहा मतलब स्टेशन पर ले चलो, गाड़ी की हुई थी ना हमने गाड़ी पर थी, मैं कहा वहाँ से मेरे को मैं बच्चों ये कहती मैं स्टेशन पर उतर के दौड़ के अपने घर पहुँच जाती थी, माँ बाप भी जाते रहते मैं दौड़ के घर पहुँच जाती थी, तो बच्चे कहते हैं इनके मन के बैठ गया 3 साल का जो लगा हुआ था दोस्त था मेरा, आपको कईयों के फ़ोन करवाए मेरे को, आपको निशानी बताओ, मैंने सब निशानियाँ बताई अपनी जो मेरे को पता, मैं क्या ये गुरुद्वारे की मैं गुरुद्वारे के बाहर क्या है, मेरा पेड़ है हैंडपम्प लगा हुआ है, उसके मार्केट थी एक बंद बंदे थे, एक सब्जी की दुकान थी बड़ी भारी, जिसने जहाँ सब्जी की दुकान खोली थी ना मंडी वाले उसने दिल्ली में खोली पटेल नगर में, मेरे को मिला था, मैं क्या मालक राम तुम यहाँ आ गया, उसका नाम मालक राम था, सब्जी की दुकान उसकी यहाँ भी जहाँ से कुछ सब्जी दुकान डालता था, सबसे महंगी सब्जी और जब गया वहाँ भी उसने ऐसी उचित दुकान डाली, चेहरा देख के गल बात देख के देखो तुसी कि किन्ने कुछ ने अहमान जी अपना अपने देश अपनी मिट्टी दे विच दोबारा आके एक बारी देखिया, तो उन्होंने कहा कि मैनू हर चीज़ ही प्यारी लग रही है, आपको नहीं पता मेरे भाई को पता क्या ही हूँ मैं क्या मैं जाऊँ तो क्या भाई क्या निशानी होगी हमारे घर की, कहता फालिया रोड कह दें फालिया रोड पर हमारा मकान 18 मरले का मकान था, बस यहाँ के मरले होते हैं ना यादा गज यादा और यादा कुछ ऐसा चीज होंदिया ने इंसान का किसी वेले भी साथ नहीं छड़ दिया, माँ जी दस रहे ने कि मैं रोज अपने घर पहुंच जानी हूं काबा च, ये इश्ती बन गई ना जैसे दोने आम दोने खास, ये हम छूट पर कैसे कुछ हमें नहीं पता था, चाय मिक्स कीजिए आप चाय लेंगी नहीं आप पिए मैंने नहीं पीना मैंने तो वो हम पढ़ते हैं आप मैं देख के आई है ना वही माँ जी कोई मैसेज देना चाहोगे तुसी नौजवान नस्ल वास्ते कोई ऐसा मैसेज के अपने अपने मुल्कां दी जिहड़ी है ओ इज्जत करन, और हमारे उधर मेरी बहनों के बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं
और नौकरियां कर रहे हैं, बहुत अच्छे तनख्वाह ले रहे हैं, कोई कनाडा सेट है, कोई अमेरिका सेट है, कोई दिल्ली में अमेरिका जाना चाहता है दिल्ली में सेट है, टीचरें हैं मेरी भांजियाँ दो टीचरें हैं बड़ी गई, सब अपने नौकरी कर रहे हैं अपने, बहुत मेरा परिवार बहुत पढ़ा लिखा है सारा। क्या ये 600 की बड़ा साइज है? आपका नाम, आपका नाम छोटे नहीं, छोटे इधर पूछो, ये इसी का ही है साथ जी। बहुत शुक्रिया माँ संतोष अरोरा जी, थोड़ियाँ गल्ला सुन के बड़ी खुशी हुई, तुसी अपनी मिट्टी च वापस आए, थोड़ा चेहरा देख के ही लग रहा कि तुसी अपनी मिट्टी दे विच आए हो, तो तुहानू बड़ी खुशी हो रही है, तुहानू प्यार मिलिया, थोड़ियाँ यादा ताजियाँ हुई, तो तुहानू जी आया नू आखने आ। कोई ना आने देता परिवार को बताती थे, कोई ना आने देता है, ये तो एक जरा सा एक भाई को बताया मैंने, वो भी राखी बांधने गई भाई को, राखी तो जानते ही हो ना अब बनते हैं, हाँ राखी बांधने गई तो भाई से कहता है कपड़े लेके आना ऐसे एक दिन के लिए, नहीं आना भाई कहता है, गया कपड़े लेके गया, कहता सारी कोठी खाली पड़ी है, एक बेटा ऊपर रहता है सारी कोठी में, दोनों मियाँ भी वो भी नौकरी करते थे, गवर्नमेंट नौकरी करते थे, भाभी भी और भाई भी, भाई भाभी टीचर थे, दोनों की टेंशन है, दोनों अपन बड़ा आराम रह के, और बच्चों के इतने अच्छे हैं, अमरीका रहती हैं बहू, अरे 1.5 लाख तनख्वाह ले रही है, उसको घर से भाजा लेने आता है या नौकरी करती है भतीजे की बहू, एयर इंडिया में, एयर इंडिया में अफसर है, एयर इंडिया के। बहुत शुक्रिया जी, हाँ तो फिर एक बार इतने अच्छे पूछते हैं, हैं दिवाली में लेने आते हैं, अच्छे पूछते हैं भाई अभी भी, मैं कहती हूँ कि अब 80 साल की उम्र होगी अब क्यों देने आते हो मुझे, कहते हैं ऐसे एक छोटी सी बात करेगा भतीजा, कहता है आंटी से बने मिल जाते हैं। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, देख रहे हो खोरे सच संताली दे, मेरे सामने माँ संतोष अरोरा ने जिन्हों का पैदायशी जिला मंडी बावल दीन है, 8 को पैदल चल के पढ़न ली जाते सन अपने स्कूल, पढ़ते नानके मिलन जाते, नानी दादी के घर, नानी के घर, मौसी के घर मिलन जाते, ओके माजरत दे नाल के मंडी बावल दे आर्या समाज, आर्या समाज शहर के अंदर जिहड़ा स्कूल है, मैं ऑलरेडी पहले उहदा प्रोग्राम कर चुके हैं जी, फिर हाज़र होवांगा किसी होर खोरे सच दे नाल। माँ जी दे सच जरूर ने, मिठे सच ने, इन्ने खोरे नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी अखां नाल बहुत कुछ देखा है।